कि अगर एक हमारे पास स्लैब है, उसकी थिकनेस x मान लेते हैं ना, x t जो भी है थिकनेस, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हमने देखा था, मान लो अगर कोई लाइट इस तरह से पास कर रही है, और हो सकता है कोई लाइट इस तरह से पास कर जाए तुम्हारी, तो मान लेते हैं यहाँ पे फेस फाइव वन था, तो यहाँ पर भी फेस कितना होगा, फाइव वन, अभी तक तो कोई फर्क नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे इसका फेस हो गया फाइव टू, और इसका फेस मान लेते हैं यहाँ पे जाके फाइव टू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस y है, तो हमने क्या निकाला था, y क्या निकल के आया था बताओ, अगर सेम फेस डिफरेंस चाहिए तो y इक्वल टू क्या निकल के आया था, म्यू एक्स। मतलब अगर यहाँ पे स्लैब के अंदर जब वो x डिस्टेंस चली तो 30 डिग्री का फेस चेंज हुआ, यहाँ पर x चलने पे 30 डिग्री का फेस चेंज नहीं होगा, लाइट को उससे ज़्यादा चलना पड़ेगा उतना ही फेस चेंज कराने के लिए, ठीक है। इसको देखो, समझने का और भी तरीका, ये तो हमने मैथमेटिकली कर लिया था पूरे इक्वेशन वगैरह लिख के, इसको फील भी कर सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं कर रही है ना, अगर मान लो एक सेकंड में वो है ना, लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना, 10^14 टाइम्स ऊपर नीचे हो रही है मान लो, है ना, तो यहाँ पर भी एक सेकंड में 10^14 टाइम्स ऊपर नीचे हो रही है। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क किस पे पड़ता है, स्पीड और वेवलेंथ। स्पीड बोला था ना, वेव की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी सोर्स पे, और वेवलेंथ उन दोनों से मिलके निकलता है। तो देखो मान लो 10^14 टाइम्स ऊपर नीचे हो रही है, वो यहाँ पर भी उतनी टाइम्स ऊपर नीचे हो रही है, और उसी से फेस चेंज होता है ना, वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे जाता है वही तो फेस बताता है। SHM में भी फेस पढ़ा था ना हमने, अगर सेंटर पे होता है तो जीरो फेस बोल देते हैं, एक्सट्रीम पे पहुँचता है तो पाई बाई टू हो जाता है, फिर वापस आता है तो पाई, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता है तो 3π/2, फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो 2π, ये तो फेस बताता है। तो ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहे थे, अब हुआ क्या कि यहाँ पे स्पीड कम हो गई, फ्रीक्वेंसी वही है ऊपर नीचे होने की, ऊपर नीचे यहाँ पे मतलब कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रही है ऊपर नीचे, ठीक है। तो 10^14 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है मैग्नीट्यूड के साथ, तो इसकी स्पीड कम हो गई है, मतलब फ्लक्चुएट तो उसी रेट से कर रही है पर इसकी स्पीड कम हो गई है, और ये भी फ्लक्चुएट उसी रेट से कर रही है पर इसकी स्पीड अभी ज़्यादा है, तो समझे, सेम टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया, ये ज़्यादा कर पाया, इसी कारण अलग अलग जगह पे अलग अलग फेज डिफरेंस आ रहा है। और देखो इनके डिस्टेंस में भी वही रिलेशन है जो स्पीड में था, वी इक्वल टू सी वाई म्यू था ना, समझ में आया। एक्चुअली क्या हुआ, इसने इस वाली अंदर वाली लाइट ने मान लेते हैं एक टी डेल्टी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो इस वाली लाइट ने डेल्टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, बस इतना ही है, सेम रिजल्ट निकल के आ रहा है, आई बात समझ में, तो इस तरह से फील भी कर सकते हो तुम, चलो अच्छी बात है ना। अब अच्छा अगर मैं ये चीज़ पूछूं कि चलो मैंने ये यहाँ पर तो ये बता दिया कि इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब अगर यहाँ पे एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट है ना, मतलब एक्स डिस्टेंस स्लैब के अंदर एयर में स्लैब के अंदर एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करो या फिर एयर में कितना ट्रैवल करो, बात बराबर है ना, ये चीज़ समझ गए ना, स्लैब के अंदर एक्स या फिर एयर में म्यू एक्स, दोनों बराबर बातें होती हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं यहाँ पे तो चलो फाइव टू था, यहाँ पे मान लेता हूँ कुछ फाइव टू डैश हो गया है, मैं अब ये पता करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब इसका फाइव टू हो गया तो उस समय यहाँ का कुछ फाइव टू डैश है, इन दोनों में एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस आ गया है, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ, बात समझ में आई क्या, मतलब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, क्लियरली फेस में कौन आगे बढ़ गया है, ये वाली लाइट आगे बढ़ गई है फेस में, ये वाली लाइट पीछे चल रही है, क्योंकि इस बार ये वाली लाइट फाइव टू का फेस कब अटेंड करेगी, यहाँ पे पहुँच के नंबर से मैं लिखूँ क्या, कल लिखा था ना, क्या लिखा था बताओ, कल वही लिख देते हैं 20 और 60, तो यहाँ पे 20 डिग्री था फेस, यहाँ पे 60 हो गया, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कितना हुआ होगा, 20 यहाँ पे था, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे तो कुछ अभी 30 रहा होगा इसका, तो समझ रहे हो, मैं ये चीज़ निकालना चाह रहा हूँ कि अभी सिर्फ एक्स डिस्टेंस से ट्रैवल करी है दोनों लाइट, होता क्या है असलियत में कि भाई लाइट तो कंटिन्यूसली पास हो रही है ना, तो जैसे एक लाइट यहाँ पे पास हो रही होगी, एक लाइट यहाँ पे पास हो रही होगी, कई बार वो इंटरफियर कर जाती हैं, अभी हम केसेस पढ़ने वाले हैं,
तो जब ये दोनों लाइट इंटरफियर करेंगी तो इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है ना, तो वो फेज डिफरेंस कितना होगा मैं वो निकालना चाह रहा हूं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो डेल फाई, यहां पे डेल फाई का मतलब समझे, दो अलग अलग लाइट के बीच का फेज डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं जो सेम पोजिशन पे है, एक जो स्लैब में से पास करके आई है, एक जो डायरेक्ट एयर में से आ गई है। ठीक है, तो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, फाई टू माइनस फाई टू डैश। मैंने यहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया कौन सी चीज निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो ठीक है ना, ये फेज डिफरेंस तो मैं निकालना है। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये बताओ सबसे पहले इन दोनों लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है। देखो वैसे देखेंगे असलियत में ना, पाथ डिफरेंस बोला जाए तो भाई इसने भी एक्स ट्रैवल करा है, इसने भी एक्स ट्रैवल करा है, तो दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो है। पर जब हम यहाँ पे बोलते हैं पाथ डिफरेंस, तो उसका मतलब समझो हम इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं, कि हम उस समय कहना चाह रहे हैं कि मान लो दोनों ने ही एयर में डिस्टेंस ट्रैवल करा है, अगर इस लाइट ने एयर में डिस्टेंस ट्रैवल करा होता तो वो डिस्टेंस कितना हो जाता, किसके बराबर हो जाता, म्यू एक्स के बराबर। तो समझ में आया, जब क्वेश्चन में भी पाथ डिफरेंस बोलेंगे तो उसका मतलब है इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस। ठीक है, चलो तो लिटरली नहीं लेना सारी चीजें, मैं अब इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहा हूं। तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा जल्दी बताओ, डेल एक्स, इसने कितना ट्रैवल करा है, अगर ये एयर में करी होती तो कितना, किसके बराबर है ये, म्यू एक्स के बराबर, और इसने तो खैर एयर में ही करा है और कितना करा है एक्स, तो म्यू एक्स माइनस एक्स, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया हमारा, म्यू माइनस वन इंटू एक्स, ये ट्रैवल रखना है ना। तो जब भी एक लाइट बताए स्लैब में से पास कर जाएगी, दूसरी डायरेक्ट एयर में से आएगी, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस हो जाएगा, म्यू माइनस वन, ये अपने आप में याद रखना है। और याद रखना जब हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं उसका मतलब है इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस। ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? अब तुम इसके बेसिस पे फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। डेल फाई क्या होता है बताओ यार, के इंटू डेल एक्स, अब के लिखेंगे टू पाई वाई, हमने दोनों को एयर में कन्वर्ट करके निकाला है ना पाथ डिफरेंस, तो वेवलेंथ भी किसकी यूज करेंगे, एयर की, तो 2 पाई बाई लैम्डा नॉट इंटू डेल एक्स, अब जो भी लिखना है लिख लो भाई, म्यू माइनस वन इंटू एक्स। इस तरह से तुम फेज, अगर तुमने एक बार पाथ डिफरेंस निकाल लिया फिर फेज डिफरेंस निकालने में तो सब कुछ सेम है। ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो पूछो वरना लिखो इसे, ये बहुत काम आने वाला है ना पाथ डिफरेंस वाला, म्यू माइनस वन इंटू एक्स। चलो ठीक है, हाँ पाथ डिफरेंस कैसे निकाला, हाँ मतलब पाथ डिफरेंस मतलब हम ऐसा चाह रहे थे, असलियत में देखा जाए तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो पाथ डिफरेंस तो जीरो है, पर फेज डिफरेंस तो तब भी आ रहा है ना। तो एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं वो पाथ, देखो पाथ डिफरेंस जीरो बोलने से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं ऐसा पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहा था कि जिसको अगर के से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे फेज डिफरेंस मिल जाए। समझ में आया, मैं चाह रहा था कि मेरा ये वाला फॉर्मूला काम आ जाए, जब भी मैं फेज डिफरेंस निकालना चाहूँ तो मेरा ये वाला फॉर्मूला काम आ जाए, तो मैं इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने क्या करा कि इसने तो एयर में एक्स ट्रैवल करा है, इसने स्लैब के अंदर एक्स ट्रैवल करा है, पर दोनों अलग अलग मीडियम में है ना, तो पहले दोनों को सेम मीडियम में कन्वर्ट करो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। तो इसने अगर स्लैब के अंदर एक्स ट्रैवल करा है तो एयर में कितना ट्रैवल करा है, म्यू एक्स, तो वही करा है मैंने, तो इसलिए आ गया अपना पाथ डिफरेंस। ठीक है, और उस पाथ डिफरेंस को जब कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा फेज डिफरेंस मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो कल एक क्वेश्चन लिया था अपन ने, क्या था, पानी में रख दो इसको है ना, तो चलो ये पानी में रख देते हैं, क्या होगा बताओ, ये म्यू ग्लास और ये पूरे में म्यू वाटर, तो आप बताओ वाई और एक्स में क्या रिलेशन होगा, निकाला क्या किसी ने वाई और एक्स में क्या रिलेशन होगा। अब दो यहाँ पे दो मीडियम है, एयर जैसा कुछ नहीं है ना, एक गिलास है एक मीडियम, दूसरा मीडियम वाटर है, हमें पता है गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो गिलास में अगर एक्स ट्रैवल करने पे 40 डिग्री फेस चेंज हो रहा है तो वाटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे कि 40 डिग्री का फेस चेंज हो जाए। वाई और एक्स में रिलेशन बताओ मुझे, चलो करेंगे सॉल्व इसे। ठीक है, तो हमें वो डिस्टेंस चाहिए जब दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों में ही सेम फेज डिफरेंस निकल गया है, और फेज डिफरेंस क्या होता है, के इंटू डेल एक्स, इसका के मान लेते हैं, इसके अंदर के क्या होता है, टू पाई बाई लैम्डा, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, टू पाई बाई, और लैम्डा कितना है, लैम्डा जी लिख देते हैं, लैम्डा इन ग्लास मीडियम,
है ना, फेज डिफरेंस क्या होता है, के इंटू डेल एक्स, और के क्या होता है, टू पाई बाई लैम्डा। अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या है, एक्स, तो एक्स लगा दिया। यहाँ पे आ जाओ, डेल फाई क्या हो जाएगा, टू पाई बाई लैम्डा, वाटर के अंदर लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा डब्ल्यू हो गया। और पाथ कितना ट्रैवल करा इसने, वाई, क्योंकि हमने वाई वो पाथ माना है जब फेस डिफरेंस सेम हो जाए दोनों का। तो ठीक है, टू पाई तो कट गया। अब लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, किसी मीडियम के, कल पढ़ा था ना, लैम्डा जी को लिख सकते हैं लैम्डा नॉट वाई, लैम्डा नॉट मतलब एयर में, बाय म्यू जी। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट बाय म्यू जी इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय म्यू डब्ल्यू इंटू वाई, ये हमने कल ही पढ़ा है, ये दोनों फिर कट गए। तो वाई और एक्स में देखो रिलेशन आ गया, वाई कौन से मीडियम का था भाई, वाई वाटर में था, तो जो मीडियम था उसका म्यू इंटू उसका डिस्टेंस इक्वल टू अगला मीडियम इंटू उसका डिस्टेंस, तो सीधा ऐसे याद रख लो। यहीं पे जब एयर था तो एयर का म्यू कितना था, वन, मतलब जो भी मीडियम में ट्रैवल कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रह रहा है अगर फेज डिफरेंस सेम रख रहा है तो। देखो ये वाला पॉइंट समझना ज़रूरी है ना, क्योंकि अभी जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होते हैं YDSE के वो इस पे ही होते हैं। जो अभी नाइन्थ एग्जाम्पल था उसमें क्या करा था, एक स्लिट के आगे ऐसी स्लैब रख दी थी, और इसमें फिर बहुत कुछ कर देते हैं YDSE के, आधे मीडियम को पानी के अंदर डालेंगे, आधे को नहीं डालेंगे, और बहुत कुछ करते रहते हैं उल्टा सीधा काम। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक, तो अब मुझे ये भी बता दो, ये वाली चीज़ निकाल के बता दो, इस समय पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होगा, है ना, वाई नहीं पूछ रहा अब मैं, है ना। अच्छा इसका इसका इसको रीड कैसे करेंगे, कि अगर आपने ग्लास के अंदर एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कराए तो वाटर में कितना करना पड़ेगा, म्यू जी एक्स बाय म्यू डब्ल्यू, समझ गए। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस बताओ मेरे को क्या होगा, और पाथ डिफरेंस मुझे किस मीडियम में चाहिए इस बार। अब वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस कौन से मीडियम में निकाल रहे हैं, जब एयर होती थी तो एयर में निकाल लेते थे, अब यहाँ पे आप किस में निकालना चाह रहे हो बताओ। तो वाटर में निकालना है वाटर में निकाल लो, ग्लास में निकालना है ग्लास में निकाल लो, एयर में निकालना है एयर में निकाल लो। मैं कहूँगा हमेशा एक भाई डिसाइड कर लो दिमाग में कि हम हमेशा पार्ट डिफरेंस किस कौन से मीडियम में निकालेंगे, एयर में, और उसको यूज़ करो हमेशा। अल्टीमेटली देखो तुम यहाँ पे इक्विवेलेंट पार्ट डिफरेंस किसी भी मीडियम में निकालो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर यहाँ पे सेम आएगा, क्योंकि अगर तुम ये डेल एक्स वाली चीज़ चेंज होगी यहाँ पे तो के वी चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। तो सब लोग अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस निकालो, यहाँ से यहाँ तक जाने में इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस निकालो, कौन से मीडियम में निकालो, एयर में, इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस एयर में बताओ। इससे फायदा ये है जब फेज डिफरेंस निकालोगे तो के हमेशा 2 पाई बाई लैम्डा नॉट रख देना है, उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलो कैसे सोचेंगे बताओ, इसको बहुत सिंपल है, ग्लास के अंदर एक्स ट्रैवल करा है इसने, तो एयर में कितना करना पड़ता, म्यू जी एक्स, है ना। अरे ये निकालने के लिए तो ये रिलेशन पता होने की भी जरूरत नहीं है, सीधा एयर में निकालो ना यार, हमने अभी पढ़ा ना, ग्लास में एक्स ट्रैवल करने का मतलब है एयर में कितना, म्यू जी एक्स, इसका म्यू इंटू एक्स। तो चलो इसने भाई एयर में कितना ट्रैवल करा, म्यू जी इंटू एक्स, चलो आ गया। अब वाटर में एक्स ट्रैवल करना मतलब एयर में कितना, म्यू डब्ल्यू एक्स, अरे ये भी तो एक मीडियम ही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू है। तो वॉट एयर में एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करो, सॉरी वाटर में एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करो या फिर एयर में कितना करो, म्यू डब्ल्यू एक्स, बात बराबर है। ठीक है तो लिख दो भाई म्यू डब्ल्यू एक्स, आ गया इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इंटू एक्स। देखो कोई दिक्कत है क्या, तो जब किसी मीडियम के अंदर रखा है तो पाथ डिफरेंस ये बन गया। अब समझ में आ रहा है, समझ के लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो यार। फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा बताओ, क्योंकि एयर में निकाला है तो टू पाई वाई लैम्डा नॉट, और डेल एक्स कितना हो गया तुम्हारा, म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू आ गया तुम्हारा। ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो लिख लो, है ना, वापस उस पर आ जाते हैं हम, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।
तो इसमें हमने पहला वाला तो पढ़ लिया था कि अगर सोर्स को ही ऊपर नीचे कर लें, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो पहला वाला तो हमने पढ़ लिया था ना, सोर्स को ऊपर नीचे करा था, तो हमने देखा था कि अगर सोर्स को नीचे करते हैं तो मैक्स सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर चला गया था, सोर्स को ऊपर करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमम नीचे आ जाएगा। तो अब देखो और भी देखते हैं, और भी तरीके हैं जिससे सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारी स्लिट्स हैं S1, S2 और ये हमारा सोर्स है। इस बार हम सोर्स को कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं ना, सोर्स को कहीं मूव नहीं कर रहे, ये हमारी स्लिट्स हैं S1, S2 और ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रिंजेस आती है, हमें पता है यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा और चलता रहता है ऊपर नीचे। अब देखो क्या करते हैं, जो अभी तुमने 9th वाला क्वेश्चन देखा था, क्या करते हैं वो लोग, इनमें से जो एक स्लिट है उसके आगे क्या रख देंगे, स्लैब रख देंगे, ठीक है। ये स्लैब रख दी और स्लैब के बारे में दो ही पैरामीटर की ज़रूरत होती है, एक तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देंगे भाई कि म्यू है, दूसरी उसकी विड्थ बता देंगे। मान लो कुछ टी है, टी विड्थ की स्लैब रख दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एक ही के आगे रखेंगे, अगर दोनों के आगे रख दिया फिर तो इक्विवेलेंट हो गया सिस्टम, है ना। अब कहेंगे बताओ भाई सेंट्रल मैक्सिमम कितना शिफ्ट कर गया, अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या करेगा, सब तुम्हें ही बताना है। चलो बस इतना बता दो अभी के लिए कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, और क्यों जाएगा, रीजन के साथ। तो वो नोट बताया ना, वो सिर्फ ऐसे दिमाग में रिवाइज करा करो, स्लैब के अंदर एक्स मतलब एयर के अंदर म्यू एक्स, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चलो सबसे पहले तुम लोग ये बता दो, अभी ये मत बताओ कि भाई कौन ऊपर नीचे जा रहा है, तुम मुझे बता दो जो जो स्क्रीन का सेंटर है वहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है ये बता दो मेरे को। और जब मैं पाथ डिफरेंस बोल रहा हूँ, याद रखना एग्जाम में पाथ डिफरेंस ही बोलेगा, उसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस इन एयर, जीरो मत बोल देना, असलियत में तो जीरो है देखा जाए तो, यार डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल करा है दोनों ने, पर जब पाथ डिफरेंस पूछ रहे हैं उसका मतलब ही होता है, लिख लेना है ना चाहो तो, पाथ डिफरेंस मीन्स इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस इन एयर। मुझे ये बता दो सबसे पहले, हाँ कितना, म्यू माइनस वन टी, और बताओ और कोई, यही होगा सही है बिल्कुल, है ना, क्योंकि देखो यहाँ तक सेम, इसके बाद भी सेम है, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ है, बस यहाँ पे ना, क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक टी ट्रैवल करा, अब वो हल्का एंगल वेंगल वो सब इग्नोर मानना है, अप्रोक्सीमेटली करते हैं थोड़ा, है ना, कि नहीं यार ये तो इस एंगल पे जा रही थी, ये इस एंगल, इतना नहीं सोचना, ये अपन अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं। तो इसने यहाँ से यहाँ तक टी ट्रैवल करा, ट्रैवल तो इसने भी टी करा है, पर इसने टी किसके अंदर ट्रैवल करा, स्लैब के अंदर, वो एयर में किसके बराबर हुआ, म्यू टी के। तो एक तरह से इसने म्यू टी ट्रैवल करा और इसने कितना ट्रैवल करा, टी। तो पाथ डिफरेंस इस जगह पे कितना आएगा, म्यू टी माइनस टी, मतलब म्यू माइनस वन इंटू, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, बताओ पहले तो इससे सब कन्विंस हो गया, एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि भाई इस स्क्रीन के सेंटर पे कितना पाथ डिफरेंस आएगा। अब मुझे बताओ, फिर से सोचो सब लोग, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा, अब वो कौन सी पोजीशन होगी, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब पार्ट डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, जीरो। अब वो कौन सी पोजीशन होगी जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ऊपर आएगी या नीचे आएगी। चलो जो तुम बोल रहे हो वो बना देते हैं ना, मान लेते हैं। अब वो देखो जा तो हर डायरेक्शन में, तुम पहुंचाना कहां जा रहे हो ये बताओ पहले, यहां पे पहुंचाना चाह रहे हो नीचे, नहीं नहीं देखो वो जा तो हर डायरेक्शन में रहा है, तुम पहले बताओ तुम किस पॉइंट पे पहुंचाना चाह रहे हो, नीचे यहाँ पे पहुंचाना चाह रहे हो कहीं। चलो तो मान लेते हैं जितने टाइम में वो यहाँ पे, जितने टाइम में ये लाइट यहाँ पहुंची उतने टाइम में, पहले तो बना देते हैं डॉटेड, तुम जो बोल रहे हो वो समझ लेते हैं ना, जितने टाइम में पहुँचना यहाँ पर है, इस पॉइंट पर पहुँचाना चाह रहे हो, तो जितने टाइम में तुम्हारी लाइट यहाँ तक पहुँची उतने टाइम में ये लाइट कुछ ये पहुँच गई होगी, आगे बताओ। और अभी तो अभी इस समय इन दोनों का फेस सेम है, ठीक है, हाँ। अब देखो फेस सेम है इस समय ना, मान लेते हैं ये फेस है कुछ 50 डिग्री और ये फेस भी 50 डिग्री। अब हाँ अब आगे बोलो, यहीं पे गलत हो गए तुम पहले तो सोच लो अब, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस, अब तो दोनों एयर में, अब सेम, तुम अगर इसको सेंट्रल मैक्सिमम बोल रहे हो मतलब यहाँ पे फेस डिफरेंस क्या आना चाहिए, जीरो। अच्छा कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है या ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है। मान लो ये जितना भी डिस्टेंस है ये कुछ एल है, ये डिस्टेंस यहाँ पे जब ये एल ट्रैवल करता है तो उससे ये 70 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे जब ये एल ट्रैवल करेगा तो 70 डिग्री यहीं पे हो जाएगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो कुछ और ज़्यादा हो जाएगा,
समझ में आ गया? तो यहां पे तो फेज डिफरेंस जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए चलो ये क्लैरिटी लाओ। गलत तरीके से भी जो सोचो वो पता होना चाहिए क्यों गलत है, दिखना चाहिए क्लियरली। और सोचो सब लोग, और सोचो, क्योंकि यहां पे दो तरीके हैं सोचने में, दोनों ही सही हैं, पर एक को तुम गलत तरीके से देख रहे हो, दूसरे वाले को सही। जब तुम इस तरीके से सोचते हो तो गलत आंसर निकाल लेते हो, पर अब तुम्हें क्लैरिटी से दिख रहा होगा जितने भी लोगों के दिमाग में ये आ रहा था क्यों गलत है। ये क्लियर है सभी को? पहले से पता चल गया गलत क्या है और क्यों गलत है, जो गलत है वो क्यों गलत है ये पता चला, ये फिर कभी नहीं लगाएंगे अब एग्जाम में, ये क्लियर होना चाहिए ना। हाँ, कोई कुछ और बोलना चाह रहा है? हाँ बताओ भाई। आदेश ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, चलो ऊपर पहुँचा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या एक्सप्लेनेशन क्या है तुम्हारा? आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से 5 मिनट का टाइम मिलो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ पे फेस सेम है। तो और जब वो स्लैब से बाहर निकला S1 वाला पॉइंट, उसको S1 वाली लाइट, हाँ लाइट, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। हाँ, S2 ज़्यादा कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब अच्छा उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो जो अभी हमने बनाया था, ठीक है, उसी से कर रहे हो कि बिल्कुल अलग है कुछ मतलब? हाँ चलो बोलो। तो S2 का जो पाथ ट्रैवल रहेगा वो S1 से ज़्यादा रहेगा उस टाइम के लिए, ठीक है। और तो मतलब अगर उसको सेंटर पे पहुंचना है, दोनों को सेंटर पे ही पहुंचना है, तो S1 का पार्ट, देखो आप जब भी मैं बताए पार्ट ट्रैवल बोलूंगा ना, मैं मानता हूं कि तुम भी हमेशा इक्विवेलेंट पार्ट ट्रैवल बोल रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो इक्विवेलेंट पार्ट ट्रैवल दोनों का सेम है। पर सर पुराना सिंपल मैं नहीं मानता, मैं बोल रहा हूं ना पार्ट डिफरेंस का मतलब इक्विवेलेंट पार्ट डिफरेंस, सोचो सेम मीडियम में रख के सोचो, हमेशा दोनों को सेम मीडियम में कन्वर्ट करके सोचो, तो सेम है पार्ट डिफरेंस। तो जो तुमने बोला अभी बिल्कुल सही बात है, और S2 का कम रहेगा, तो S2 को थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करने का, वो तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर ही वाली बात, बिल्कुल सही है ना। S2 को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा बिल्कुल, ये तो क्लियर है ना। अरे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव मतलब एक तरह से यहाँ पे हमें दिख रहा है S1 का ज़्यादा है ना। अच्छा हमको इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखना चाहिए, क्योंकि जब हमने पार्ट डिफरेंस डिफाइन किया था हम हमेशा क्या लिख रहे थे, S2P-S1P लिख रहे थे ना, तो उस हिसाब से हम इसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं यहाँ पे एक। क्यों? क्योंकि हमने दिस माइनस दिस लिखा है, दिस माइनस दिस लिखा है, और ज़्यादा किसने ट्रैवल करा है, इस वाले ने ज़्यादा करा है, तो हमने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस वाले ने ज़्यादा ट्रैवल करा है। तो अब तुम्हें अगर पार्ट डिफरेंस जीरो चाहिए तो किसको ज़्यादा ट्रैवल करवाना है, नीचे वाले को ज़्यादा ट्रैवल करवाओ, तो वो पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। अब देखो अब इसको इसको यहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, बात समझ में आई क्या? ठीक है बैठो। और देखो इसको ऐसे मत सोचा करो, देखो मैं बता रहा हूँ दो तरीके से सोच रहे हो। पहला तरीका, आंसर तो दोनों तरीकों से सही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है अगर बिल्कुल सही ढंग से सोचोगे, पर एक तरीके में कहीं ना कहीं जो तुम अभी सोच रहे हो या फिर जिस तरह से इसने सोचा उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है, और जो तुम भी बोल रहे थे, क्योंकि तुम उतने ज़्यादा क्लियर वे में सोचते नहीं हो, और दूसरा तरीका उसमें कोई डाउट नहीं आता, तो उसी से सोचते हुए चलेंगे ना, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो तुम इस तरीके से सोच रहे हो यार कि जब यहाँ पे अगर यहाँ पे इसने टी ट्रैवल करा है तो यहाँ पे टी से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा होगा, इस तरीके से मत सोचो, ठीक है, क्योंकि तुम इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरीके से नहीं सोचो ना। अभी मैंने एक्सप्लेन करा था उसमें तुम्हें क्लियर दिख गया था ना, पर हर बार तुम उतने क्लियरली नहीं देख पाओगे। इसको इस तरीके से सोचो, पहले दोनों को सेम पॉइंट पे पहुंचा दो, ये वाली लाइट यहाँ पे पहुंच गई और ये वाली लाइट भी यहाँ पे पहुंची, तो बताओ क्या दोनों का पार्ट डिफरेंस सेम है अभी? नहीं ना। इसने कितना इसने म्यू एक्स ट्रैवल, इसने म्यू टी ट्रैवल करा है, और इसने कितना ट्रैवल करा है, टी ट्रैवल करा है, तो यहीं से दिख गया ना कि इस वाले ने ज़्यादा ट्रैवल कर रखा है। सेम पॉइंट पे ले जाके सोचो, इसने टी ट्रैवल करा है, इसने कितना ट्रैवल करा है, म्यू टी ट्रैवल करा है, तो किसने ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है? तो अब तुम्हें किसको ज़्यादा, अगर तुम्हें जीरो चाहिए पाथ डिफरेंस तो किसको ज़्यादा ट्रैवल करवाना है, ख़त्म बात, क्लियरली ऊपर जाएगा वो। अब यार इसको इसको दो यहाँ पे, इसको एयर में ज़्यादा करवा दो, समझ में आई बात? तो सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हारा कहीं ऊपर शिफ्ट करेगा, तो S2 से ये लाइट यहाँ पे गई, इसको P पॉइंट बोल देते हैं, और ये ऐसे यहाँ पे जा रही है, तो ये वो पॉइंट है यहाँ पे डेल X जो अपन डिफाइन कर रहे हैं पार्ट डिफरेंस, S2
पी माइनस एस वन पी, और ये क्या होना चाहिए, पी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, हम निकाल रहे हैं डेल एक्स एट पॉइंट पी, जो कि क्या है तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट को मैं पॉइंट पी बोल रहा हूँ, तो उस समय पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए तुम्हारा, जीरो होना चाहिए, ठीक है। और एस टू पी, एस टू पी कितना है तुम्हारा बताओ जल्दी से, एस टू पी माइनस एस वन पी करना है ना, पहले तो एस टू पी माइनस एस वन पी है ना, देखो अब यहाँ पे अगर ये स्लैब नहीं होती, अब देखो इसको किस तरह से लिखना है ना, ये लिखना भी सीखो, अगर स्लैब नहीं है मान लो तो एस टू पी माइनस एस वन पी क्या होता है, मान लो अगर ये एंगल में थीटा बोल देता हूँ और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है स्मॉल डी, तो एस टू पी माइनस एस वन पी क्या आता है था बताओ, डी, ये याद है ना अभी तक इधर पे डालते थे और फिर वो डी साइन थीटा आता था। तो अगर स्लैब नहीं होती, ये तो कम मान के लिख रहा हूँ, अगर स्लैब नहीं होती तो इसने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करा है, डी साइन थीटा एक्स्ट्रा ट्रैवल करा है, क्लियर ही वाली चीज, पर स्लैब तो है तो हम इसको इस तरह से निकालेंगे, पहले मान लेंगे कि स्लैब नहीं है, स्लैब नहीं है तो इसने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करा, डी साइन थीटा, ठीक है। पर स्लैब होने के कारण ये एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है ना, एस वन पी वाला कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, म्यू टी एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं कर रहा है, म्यू टी माइनस टी, और हम एस वन पी वाले को माइनस कर रहे हैं ना, तो उसको माइनस करेंगे तो माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, देखो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस होता है म्यू माइनस वन इंटू टी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ये तुम्हारा किसके आ जाना चाहिए सीरो। पहले तो यही ध्यान रखो, पहले तो मान लो हम डेल एक्स ही निकालना सीख लेते हैं, अगर कहीं पे भी पार्ट डिफरेंस निकालना है किसी भी पॉइंट पी पे, तो पार्ट डिफरेंस तुम इस तरीके से निकाल लोगे, कोई भी पॉइंट पी है मान लो, अभी किसी भी पॉइंट पी पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये होगा, इसको चाहो तो तुम एज ए फॉर्मूला याद रख लो, पर मैं तो भाई ऑन द स्पॉट निकालता हूँ हमेशा, और वही प्रेफर करता हूँ, सोच में कुछ नहीं, अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाते हो तुरंत लिखते हैं, एक सेकंड लगता है लिखने में। स्लैब नहीं है तो कितना ज़्यादा चला एस टू पी, डी साइन थीटा, और स्लैब होने के कारण इसने कितना ज़्यादा चला, म्यू माइनस वन इंटू टी, तो ये मेरा पार्ट डिफरेंस आ गया पी पॉइंट पे। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा वहाँ पे डेल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो लो हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया, इससे सेंट्रल मैक्सिमा पे भाई डेल एक्स जीरो हो रहा है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी, तो साइन थीटा कितना आ गया तुम्हारा, म्यू माइनस वन इंटू टी बाई डी, और हमको पता है, अब हमें तो एक्चुअली वो पूछेगा तो हमसे वो ये डिस्टेंस पूछेगा, भाई बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कितने डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसको वाई सी एम बोल देते हैं, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा का नया वाई कोऑर्डिनेट बताओ, इसको ओरिजिन माना है ना, तो साइन थीटा को अपन क्या लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा, तो लिख दो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा, तो टेन थीटा तुम्हारे किसके बराबर आ गया बताओ, म्यू माइनस वन इंटू टी वाई डी, और टेन थीटा क्या होता है बताओ, बाय बाय कैपिटल डी। अगर तुम्हारी लास्ट क्लासेस क्लियर है तो अब कुछ नहीं है, इसमें नया बस इतना ही पार्ट था, बाकी तो सब सेम है यार, तो रख दो भाई म्यू माइनस क्या सॉरी बाय सी एम बाय कैपिटल डी इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी वाई डी, तो तुम्हारा कितना शिफ्ट करा, क्वेश्चन यही पूछा गया था ना कि भाई शिफ्ट कितना करा सेंट्रल मैक्सिमा, तो इतना शिफ्ट करा है म्यू माइनस वन इंटू टी बाई स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। अब याद करना हो तो तुम याद कर लेना, मैंने आज तक नहीं करा, प्रेफर करूँगा अगर इस तरह की इक्वेशन लिखना सीख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इसमें अगर हल्का सा भी चेंज कर दिया तो ये फॉर्मूला फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो देखो स्लैब नहीं होती, हम क्या लिखते हैं, हमेशा एस टू पी माइनस एस वन पी लिखते हैं, अगर स्लैब नहीं होती तो क्लियरली दिख रहा है इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा है, और कितना ज़्यादा ट्रैवल करा है वो लास्ट क्लासेस खोल के देखोगे तो पता चल जाएगा, डी साइन थीटा। अगर स्लैब नहीं है तो कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, डी साइन थीटा, ठीक है, पर स्लैब तो है यहाँ पे, और स्लैब के कारण कौन एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, देखो वो तुम्हें दिख रहा है ना, इस जगह पे पता है पार्ट डिफरेंस एक्चुअली में जीरो होता था, पर स्लैब होने के कारण आ रहा है ना पार्ट डिफरेंस, कितना आ रहा है, माइनस ऑफ म्यू माइनस वन इंटू टी, ये आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि स्लैब के कारण इसने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया,
तो उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा ना, तो उसको अकाउंट में ले लिया। एक बार मान लो स्लैब नहीं है तो कितना आ रहा है वो निकालना तो मैं आता है, फिर स्लैब के कारण जो आता है उसको और लगा दो वहाँ पे, स्लैब के कारण ये आ रहा है। आसान है, चलो और प्रैक्टिस करते हैं ना, एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो समझ जाओगे। अच्छा उसमें देखो, पहले यहीं पे कुछ और भी स्टडी कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, स्लैब लगाने से फ्रिंज विड्थ बीटा पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताओ, बीटा पे कोई फर्क क्या होता है? बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो इसको लगाने से कैपिटल डी और स्मॉल डी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेवलेंथ पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। अरे थोड़ी सी देर के लिए चेंज करी पर इंटरफेरेंस तो स्क्रीन पे हो रहा है, अल्टीमेटली तो एयर में ही आ गया सब कुछ वापस। तो फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या स्लैब लगाने से? नहीं। तो लिखो सबसे पहले तो ये लिखो नोट, फ्रिंज विड्थ रिमेंस अनचेंज्ड, फ्रिंज विड्थ रिमेंस अनचेंज्ड बाय कवरिंग स्लिट्स विद स्लैब्स। चलो अब फ्रिंज विड्थ चेंज तो नहीं हो रही, पर अब ये पूछ सकते हैं भाई सेंट्रल मैक्सिमा तो शिफ्ट हो गया, तो ये पूछ सकते हैं कि कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी। हो सकता है एक आधी ही शिफ्ट हो सकता है 100 शिफ्ट हो जाए, हो सकता है 1000 शिफ्ट हो जाए। तो लिखो भाई, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड व्हेन स्लिट इज कवर्ड विद द स्लैब, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड व्हेन स्लिट इज कवर्ड विद द स्लैब। बताओ भाई क्या होगा नंबर, कितनी फ्रिंजेस ऊपर चली जाएंगी? इस केस में ऊपर जा रही है ना, अब इतना तो समझ गए ना, इसकी जगह यहाँ पे लगाते तो कहाँ जाती, नीचे जाती, इतना कॉमन सेंस तो चाहिए। अब कितनी ऊपर शिफ्ट करेंगे ये बताओ भाई, 10 फ्रिंजेस निकल जाएंगी, 50, 100, 1000, 1, 2, कितनी? YCM बाय बीटा, सिंपल है ना, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड क्या होगा? YCM बाय बीटा, ऑब्वियस है मेरे ख्याल से, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो बीटा तुम्हारा है 0.1 मिलीमीटर, मान लो फ्रिंज विड्थ कितनी है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस था हर मैक्सिमा के बीच में, ठीक है, अभी तुमने कोई भी स्लैब नहीं रखी मान लो, है ना, तो फ्रिंज विड्थ आ रही थी कोई भी दो ब्राइट के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा था 0.1, 0.1, 0.1। अब मान लो तुमने स्लैब रख दी, तुमने देखा कि सेंट्रल मैक्सिमा 2 मिलीमीटर ऊपर चला गया, तो सोचो अगर वो 2 मिलीमीटर ऊपर चला गया और एक फ्रिंज कितने की थी 0.1 की, तो कितनी शिफ्ट करी होंगी? अगर 0.1 ऊपर जाता तो एक ही शिफ्ट करती, 0.2 ऊपर जाता तो दो शिफ्ट करती, 1 ऊपर जाता तो 10 शिफ्ट करती, 2 ऊपर गया तो 20, 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 0.1 मिलीमीटर, आ रहा है इसकी तो फीलिंग ही आती है, तो ऐसे निकाल लो कि वाली चीज़। यही सब क्वेश्चंस में पूछ देते हैं, यही सब घुमा फिरा के और गया, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस बार मैं क्या कर देता हूँ, मान लो इसके आगे भी अगर मैं रख दूँ, इसके आगे एक स्लैब रखी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और जिसकी विड्थ कितनी है टी वन, और एक स्लैब मैंने इसके आगे रख दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है और थिकनेस कितनी है टी टू। फाइंड, क्वेश्चन लिखो, ये बना लो है ना, क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, दो रख दी इस बार, दोनों के आगे रख दी मैंने। फाइंड, पहला लिखो क्वेश्चन है, फाइंड पाथ डिफरेंस एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फाइंड पाथ डिफरेंस एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। सेकंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट्स। थर्ड लिखो, फाइंड द कंडीशन सो दैट सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स। करो सॉल्व, तीन क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा पे निकालना था, तो अगर स्लैब नहीं होती तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आता बताओ? अगर स्लैब्स नहीं है जीरो, है ना,
अगर स्लैब नहीं है तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे पार्ट डिफरेंस जीरो आता है, पर स्लैब तो है, इसके कारण एस टू पी माइनस एस वन पी लिखते हैं हम। तो इसके कारण, इस वाली स्लैब के कारण कौन ज़्यादा चल रहा है? ये एस वन है और ये एस टू है, इसके कारण एस टू ज़्यादा चल रहा है। एस टू ने कितना एक्स्ट्रा चला, मान लो सिर्फ यही वाली और कोई नहीं है, सिर्फ यही वाली है, तो एस टू ने कितना एक्स्ट्रा चला है? म्यू टू माइनस वन इंटू टी टू, ये तो एस टू वाले ने एक्स्ट्रा चला, ठीक है। अब मान लो ये वाली नहीं है, सिर्फ ये वाली है, तो इसने कितना एक्स्ट्रा चला? म्यू वन माइनस वन इंटू टी वन, और इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि हम लिख ही रहे हैं एस टू पी माइनस एस वन पी। आ रहा है समझ में? तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, म्यू टू माइनस वन इंटू टी टू माइनस म्यू वन माइनस वन इंटू टी वन, कहाँ पर आया ये? सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, कि तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट करेगा। तो अभी के लिए तो मान लेते हैं वो ऊपर शिफ्ट कर रहा है ना, मान लेते हैं वो ऊपर शिफ्ट कर रहा है, फिर अपन देखेंगे ऊपर नीचे किस पर डिपेंड करता है। मान लिया ऊपर शिफ्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस अगर कोई भी है ना, पाथ डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले क्या मानते हैं, कोई भी स्लैब नहीं है, कोई भी स्लैब नहीं है तो कितना आता है पाथ डिफरेंस? डी साइन थीटा, सिंपल है ना यार ये तो, और कुछ नहीं करना। उसके बाद स्लैब लगाना मतलब क्या हो गया, सेंटर पे जो आ रहा है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे उसको ऐड कर दो। स्लैब लगाने से ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो इसको ऐड कर दो, तो कितना आ गया, प्लस म्यू टू माइनस वन इंटू टी टू माइनस म्यू वन माइनस वन इंटू टी वन। तो अब ये तो तुमने किसी भी पॉइंट पे, ये तो बिल्कुल जनरल हो गया एक्सप्रेशन, किसी भी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस निकालना है वो ये होगा। देखो क्लियर है क्या, स्टेप्स में चलो यार, यहाँ पे निकाल लिया, फिर किसी भी और पॉइंट पे निकालना है तो सिर्फ डी साइन थीटा को और ऐड करते रहे। आ रहा है समझ में? अब तुम्हें सेंट्रल मैक्सिमम चाहिए तो डेल एक्स को जीरो करो, तो हो क्या रहा है, डेल एक्स को जीरो जीरो करना, ये सारी स्टेप्स आती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी, क्या आ जाएगा फाइनली, वाई सी एम इक्वल टू, बस ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया, म्यू टू माइनस वन इंटू टी टू माइनस म्यू वन माइनस वन इंटू टी वन, वन वन टू टू। अच्छा ये टी नहीं आएगा फिर, है ना, वो टी तो अंदर आ गया, ये आ जाएगा फिर। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या था, अब तो बता ही दोगे, ऊपर नीचे शिफ्ट करवाना है, ऊपर शिफ्ट करवाना है तो वाई सी एम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो, नीचे शिफ्ट करवाना है तो वाई सी एम क्या होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि नीचे शिफ्ट करवाना है, तो ठीक है, नीचे शिफ्ट करवाने के लिए क्या कंडीशन लगा देंगे, अरे नीचे शिफ्ट करना है मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो थर्ड वाला ये था कि सेंट्रल मैक्सिमा डाउनवर्ड शिफ्ट करनी चाहिए, उसकी कंडीशन पूछी गई थी। अगर डाउनवर्ड शिफ्ट करना है तो वाई सी एम तुम्हारा लेस देन जीरो निकल के आना चाहिए, लगा दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा इससे, म्यू वन माइनस वन इंटू टी वन इज लेस देन म्यू टू माइनस वन इंटू टी टू। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएगा। मान लो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो शिफ्ट ही नहीं करेगा फिर, क्योंकि दोनों स्लैब्स के कारण सेम पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो कंडीशन ऐसी नहीं है कि म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन या फिर टी टू ग्रेटर देन टी वन, उनका कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन ये है। और कहने क्वेश्चंस, बस यही है सबसे डिफिकल्ट वाले, ये हो गए तो फिर कुछ भी नहीं है वाईडीएसई में। देखो अगला क्वेश्चन लिखो, अब हम क्या कर देते हैं, देखो अच्छा पहले तो मान लो इस पूरे के पूरे सिस्टम को अगर मैं पानी में डाल दूं ऐसे ही, तो क्या होगा बताओ, अगर इस सिस्टम को अगर पानी के अंदर डाल दूं, इफ़ द होल वाई डी एस ई एपरेटस इज डिप्ड इन वाटर, तो बताओ भाई क्या क्या किस किस चीज़ पे फर्क पड़ेगा, बताओ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करेगी या नहीं करेगी, करेगी क्यों नहीं करेगी, ये कुछ भी पूरा पूरा पानी के अंदर है तो सेमी पार्ट डिफरेंस है, तो वाई सी एम क्या आ जाएगा तुम्हारा, जीरो ही रहेगा, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट नहीं करेगी। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर इधर पे ज़्यादा हो रहा है तो हर जगह ही ज़्यादा हो रहा है ना वो, ठीक है। तो पानी में डालने से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट नहीं करती। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ के साथ क्या होगा, पानी में डाल दिया मान लो है ना, तो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी या सेम रहेगी, कम हो जाएगी, क्यों,
क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा डब्ल्यू कैपिटल डी वाई स्मॉल डी, और लैम्डा डब्ल्यू क्या होता है, लैम्डा नॉट कैपिटल डी वाई म्यू डब्ल्यू इंटू स्मॉल डी। मतलब ये कितनी आ गई तुम्हारी, बीटा नॉट वाई म्यू डब्ल्यू। बीटा नॉट से मैं क्या बता रहा हूँ, एयर में था है ना, जब हमारा पूरा सिस्टम एयर में था तो मान लो फ्रिंज विड्थ इतनी थी, जैसे ही पानी में डालोगे फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्रिंज विड्थ लैम्डा वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पानी में डालने से वेवलेंथ कम हो गई। ये समझ में आया क्या, पहले पानी में डालने से क्या फर्क पड़ेगा, लिखो इसे जल्दी से। इफ द होल सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर सेंट्रो मैक्सिमा डज नॉट शिफ्ट एंड फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। इफ द होल YDSE apparatus is dipped in water, central maxima does not shift and fringe width decreases. तो स्लैब लगाने से फ्रिंज विड्थ पे फर्क नहीं पड़ रहा था, पर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर रहा था। पानी में से डालने से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट नहीं हो रहा, पर फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ रहा है। तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ों पे फर्क पड़ता है, वो क्लियर होना चाहिए हमको। हेड आउट किस चीज़ की, फ्रिंज विड्थ की इक्वेशन में कोई डाउट लग रहा है बताओ, यहाँ पे इक्वेशन से आ गया ना, अब फील घर जाके लेना। तो फिर मान लो अगर मैं बताए कंबाइन कर दूँ इन दोनों चीज़ों को, जैसे स्लैब से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करती थी और पानी से फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है, मान लो दोनों को कंबाइन कर दूँ, सिस्टम को पानी में डाल दिया मैंने पूरे सिस्टम को, बस इससे ज़्यादा टफ क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ें मिला देते हैं हम। लो हो गया टफेस्ट क्वेश्चन, पहले तो हमने पूरे सिस्टम को वाटर में डिप कर दिया म्यू डब्ल्यू लो, और फिर मैंने क्या करा, एक स्लैब भी लगा दी जिसकी विड्थ टी है, जिसकी थिकनेस टी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी। तुम्हें पता ही है क्या निकालना है, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। चालू हो जाओ, सब निकाल दो सेंट्रल है ना, फाइंड डेल एक्स एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन। याद रखना एग्जाम में सीधा वो पूछेंगे शिफ्ट कितना होगा, तो तुम्हें इतनी स्टेप्स में जाना है तुम्हें पता होना चाहिए है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल एक्स एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फिर क्या करेंगे बताओ, फिर डेल एक्स एट पॉइंट पी है ना, किसी भी जनरल पॉइंट पी पे निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकलेगा, वाई सी एम। डेल एक्स को जीरो कर देंगे तो वाई सी एम निकल जाएगा, और क्या निकालते हैं, बीटा निकाल दो, हो गया काम। और देखो ये भी टफ नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्लैब को वाटर में रखा था और वहाँ पे हमने पाथ डिफरेंस निकाल चुके हैं, ये वाली चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। जब स्लैब को वाटर में रखते हैं तो कितना पाथ डिफरेंस आता है, सोचो भाई, सोचना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो याद रखना पूरा ही सिस्टम वाटर में, ये भी ध्यान रखना। बताओ कितना है यहाँ पे, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, सन्ने कर लिया, बताओ कितना है, म्यू डब्ल्यू माइनस, ठीक है तो म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इंटू टी और माइनस बार है ना, यही बोल रहे हो ना, कराए सॉल्व, ठीक है ये सही है ना, ये तो हमने करा हुआ है इंडीड, अभी तो सॉल्व करा था। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक कोई फर्क नहीं है, फिर यहाँ और यहाँ में भी कोई फर्क नहीं है, पूरा पानी में इतने में तो कोई फ़र्क आ ही नहीं रहा है, फ़र्क सिर्फ इधर से आ रहा है। गिलास के अंदर टी ट्रैवल करा मान लो है ना, तो एयर में कितना ट्रैवल करा, म्यू जी टी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर थोड़ी ना है, यहाँ पर भी वाटर है ना, तो अगर वाटर में टी ट्रैवल करा तो एयर में कितना ट्रैवल करा, म्यू डब्ल्यू टी। तो म्यू जी टी माइनस म्यू डब्ल्यू टी आ गया ना, और हम दिस माइनस दिस लगते ना, एस टू पी माइनस एस वन पी, नहीं ये वाटर में ट्रैवल करेगा इतना, हाँ ये वाली चीज चाहिए, ठीक है। तो तुमने जो चीज निकाली है, तुमने क्या निकाला है, तुमने निकाला है इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस इन वाटर। तुम्हारा फेज डिफरेंस बताओ, चलो तुमने बोला डेल एक्स तुम्हारा ये है माइनस ऑफ म्यू जी वाई म्यू डब्ल्यू माइनस वन इंटू टी,
बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा, अल्टीमेटली फेज डिफरेंस सही आना चाहिए। बोलो क्या लोगोगे फेज डिफरेंस के लिए? 2π/ लैम्डा नॉट वाई म्यू, तुम्हें बोलना है ना यार, तो वाई म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू माइनस वन, बिल्कुल सही है। तो तुम अगर इस तरह से कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने लिखा है इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस इन वाटर, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने जो यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा है इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस इन एयर, तो मैं क्या, मेरा क्या आ रहा है, माइनस ऑफ म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इंटू टी। अब जब मैं अपना फेज डिफरेंस निकालूंगा, क्योंकि मैंने पाथ डिफरेंस किस में कन्वर्ट करके लिखा है, एयर में, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, 2π/ लैम्डा नॉट। अब मैं लैम्डा नॉट बाई डब्ल्यू यूज़ नहीं करूँगा म्यू डब्ल्यू, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी एयर में निकाल रखा है। तो देखो दोनों सेम ही आएंगे, चेक कर लो तुम, माइनस म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इंटू टी। फेज डिफरेंस तो देखो हमेशा सेम आएगा, म्यू डब्ल्यू को अंदर भेजो, देखो दोनों सेम हो गए ना। पर इतना पता है, इतना पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो ये तो कंसेप्ट हो गए ना, सभी लोग समझ लो ना, तुम इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस किसी भी मीडियम में निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो। पर फिर फेज डिफरेंस निकालते समय उसी मीडियम का लैम्डा यूज करना बस, ठीक। और अब बाई कन्वेंशन, ताकि हम सब एक ही करें, हमने क्या बोला था, जब भी मैं पाथ डिफरेंस बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस इन एयर, तो खत्म। जब मैंने बोल दिया है उसका मतलब, तो मैं डिफाइन थोड़ी ना करूँगा यार, उसका मतलब ही एयर में है, तो ये आएगा और फेज डिफरेंस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर भी साइड नोट में अगर लिखना चाहो तो लिख लेना है ना, ये इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस इन एयर है और ये इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस इन वाटर है। हो सकता है कोई बुक्स इसको यूज़ करती हो, मुझे तो पता भी नहीं है बुक्स क्या यूज़ करती है, सर बताओ इस पॉइंट पे क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, वरना फिर आप कहो कि सर उन्होंने तो ये लिखा है, गलत लिखवा दिया आपने, ठीक है। बैठ जाओ तो लिख लो, दोनों को लिख लो, फेज डिफरेंस अल्टीमेटली सेम आना चाहिए। जिस मीडियम में इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस निकालेंगे उस मीडियम का वेवलेंथ यूज़ करेंगे, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? और देख लेना, मुझे याद नहीं बुक्स कौन सा यूज़ करती हैं, बता देना मुझे भी, ये वाला यूज़ करती हैं, ये वाला यूज़ करती हैं, पर सारी बुक्स एक ही यूज़ करती हैं कोई, है ना। चलो आगे बढ़ते ना, अब डेल एक्स एट पॉइंट पी बताओ जल्दी से, ये तो बहुत आसान होता है ना, डी साइन थीटा और ये वाली चीज़ ऐड कर दो। अब वाई सी एम तुम निकाल लोगे, वाई सी एम के लिए क्या कर देंगे, डेल एक्स को जीरो कर देना, ठीक है। मैं लिख दूँ साइन थीटा को टेन थीटा लिखोगे, टेन थीटा को वाई वाई डी लिख दोगे, तो तुम्हारा सीधा आ गया वाई इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इंटू टी कैपिटल डी वाई स्मॉल डी। ये तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमम आ गया, तो सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बताओ, ऊपर जाएगा ना, क्योंकि गिलास का ज़्यादा होता है वाटर से ना, वाटर का 1.33 और ग्लास का 1.5, तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बीटा क्या आएगा बताओ, लैम्डा डब्ल्यू है ना, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और दैट इज नथिंग बट लैम्डा नॉट बाय म्यू डब्ल्यू। तो अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमने निकाल लिया था, बीटा नॉट बाय म्यू डब्ल्यू है ना। फ्रिंज विड्थ को थोड़ी ना स्लैब से फर्क पड़ता है, उसको तो मीडियम से मतलब है, बस ये एक्सट्रीम केस था, अब इसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, अगर ये सॉल्व हो गया तो सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, पर मैं पहले होमवर्क दे देता हूँ तुम्हें, तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल तो सारे करने हैं, लाइट वेव्स में एक्सरसाइज के 34 तक करने हैं ना, अभी कहाँ 11 तक करे थे ना, तो 34 तक कंप्लीट करने से, और नहीं अभी रुक जाओ, साउंड वेव्स तुमने छोड़ रखा था याद करो, साउंड वेव्स में क्वेश्चन नंबर 31 32 33 34 शायद 30 भी था, देख लेना, ये छोड़ के थे ना, अब ये सारे के सारे तुम कर लोगे बहुत आसान होंगे तुम्हारे लिए ना, ये सारे YDSE के थे, साउंड वेव्स में क्वेश्चन नंबर 30 31 32 33 34, ये करके आना है ना, ठीक है। फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है लोगों, एक क्वेश्चन लोगों है ना, देखो दो सोर्सेज हमारे पास, S1 आ तो मैं लाइट सोर्स मानना है लाइट सोर्स मान लो, साउंड सोर्स मानना है साउंड सोर्स मान लो, जो मन करे मान लो, और ये हमारे पास सर्कुलर स्क्रीन है या सिलिंड्रिकल बोलना सही है ना, सिलिंड्रिकल स्क्रीन है, चलो ये सेंटर है, ये डिस्टेंस रेडियस इसकी आर है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, और तुम्हें ये गिवन है
कि रेडियस इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, मतलब सोर्सेज बहुत पास पास रखे हुए हैं. लिखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन द स्क्रीन एंड देयर पोजिशंस. ये ले लो डी, तुम्हारा ले लो डी इक्वल टू लेमडा बाई टू ले लो. तुम्हारा जो डी है वो लेमडा बाई टू के बराबर है. लेमडा के बराबर कर लेते अभी. अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा ना, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, सब कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल पे करना पड़ेगा. इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करो कि आर डी से बहुत ज्यादा है, बड़ा है. जैसे वहां पे कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा था. सोचो मान लो हम इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, कोई भी जनरल पॉइंट पी मान लेते हैं ना, कोई भी जनरल पॉइंट पी मान लेते हैं ना. ये मान लेते हैं यहां से एंगल कुछ थीटा बना रहा है. थीटा नीड नॉट बी स्मॉल है ना, कुछ भी हो सकता है थीटा, तो दिख ही रहा है ना, 90 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. तो हमें क्या निकालना होता है, हमें तो पाथ डिफरेंस निकालना होता है. क्योंकि मुझे अगर मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा कहाँ आता है, जहाँ पे डेल एक्स तुम्हारा एन लेमडा हो जाए, तो मुझे निकालना डेल एक्स है. समझ में आ रही है बात? तो इस पॉइंट पे बताओ डेल एक्स कितना होगा. तो हमें पता है डेल एक्स इज नथिंग बट डिफाइन कर लेते हैं एस वन पी माइनस एस टू पी, कुछ भी डिफाइन कर लो यार, हमारी मर्जी है. ठीक है, तो ये बता रहे कि भाई यहाँ से जो लाइट आई थी जो पी पॉइंट तक गई थी S1 से निकल के, और जो S2 से निकल के गई थी, तो S1 वाली लाइट ने S2 से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा है, यही तो बोल रहा है. तो डाल देते हैं अपन, इसका तरीका अपन को आती है, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और यही क्या होता है तुम्हारा डेल एक्स. इतना ही तो डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करा है, क्योंकि ये तुम्हें दिखने के लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा है. असलियत में सिचुएशन समझो, दोनों के दोनों यहां पे हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल नहीं है लाइंस. आ रहा है समझ में? तो डेल एक्स क्या हो जाएगा बताओ, ये अगर स्मॉल डी है और अगर ये थीटा है, तो बताओ कौन सा एंगल थीटा होगा. ये थीटा है, ये भी 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना. ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो अगर डेल एक्स को तुम क्या लिखोगे, डी, दिख रहा है डेल एक्स तुम्हारा डी कॉस थीटा हो गया. एस वन पी माइनस एस टू पी तुम्हारा डी कॉस थीटा है. वो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, कुछ भी नहीं करा है. और देखो अगर किसी को डाउट है तो. हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, हमने पाथ डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ थीटा बता दिया. अब सब कुछ निकल के आ जाएगा. अच्छा, ये बिना मैथमेटिक्स करे तुम कुछ पॉइंट्स बता सकते हो जहाँ पे श्योरली तुम बोल सकते हो मैक्सिमा होगा बिना कोई मैथमेटिक्स से? कौन सा बताओ? ये पॉइंट एक तो, क्योंकि भाई यहाँ पे तो जीरो है डेल एक्स, समझ रहे हो ना. ये तो हमें मतलब चेक करने की जरूरत भी नहीं है. ये कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि हम तो यहाँ पे भाई डेफिनेटली बोल सकते हैं यहाँ पे तो मैक्सिमा आनी आना, एक मैक्सिमा, और वो तो सिमेट्री है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर भी एक मैक्सिमा आना है. अपन चेक कर लेंगे बाद में इक्वेशन से कि आ रहे हैं नहीं आ रहे. और कुछ? ये वाला भी श्योरली बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि भाई मान लो इसने कुछ 5 मीटर ट्रैवल करा, इसने 5+ d करा, और d तुम्हारा खुद लैम्डा के बराबर है, तो क्लियरली दिख रहा है कि जो लाइट यहाँ पर जा रही होगी, तो उस समय S1 वाले ने लैम्डा ज़्यादा ट्रैवल करा है. जब यहाँ पे जा रही होगी तो S1 वाले ने लैम्डा कम ट्रैवल करा है. मतलब कुछ पॉइंट्स तो क्लियरली दिख रहे हैं मेरे को. तो यहाँ पे डेल एक्स कितना होगा तुम्हारा लैम्डा, और यहाँ पे कितना होगा माइनस लैम्डा. देखो चार पॉइंट तो मुझे दिख ही गए मैक्सिमा वाले. अच्छा, क्या इसी पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि और कोई मैक्सिमा नहीं होगा? देखो यहाँ पे जीरो है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ के लैम्डा हुआ, फिर धीरे धीरे कम हो गया, जीरो हो गया. तो इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या आया होगा, लैम्डा बाई टू आया होगा. समझ रहे हो? क्वेश्चन तो तुम सीधे ऐसे देख के सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सीधे हो सकते हो. चार मैक्सिमा होने वाले हैं, कितने मिनिमा होंगे? एक मिनिमा यहाँ कहीं बीच में आएगा लैम्डा बाई टू, यहाँ पे कहीं आएगा लैम्डा बाई टू, यहाँ पे कहीं माइनस लैम्डा बाई टू, यहाँ पे कहीं माइनस लैम्डा बाई टू. चार मैक्सिमा, चार मिनिमा होंगे, है ना. पर इसका मतलब ये है कि अब तुम सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लोगे. डी अगर मैं लैम्डा बाई 10 दे देता, समझ लो लैम्डा बाई 4 दे देता, तो फिर प्रॉपर मैथमेटिक्स भी करना आना चाहिए हमको.
अरे तुमको आ रहा है, कई चीजें देख के ही सॉल्व हो जाती है। अगर हम ढंग से कंसेप्ट क्लियर है तो हम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट करके ही बता सकते हैं कि भाई इतनी होना है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे इस केस में चार ही मैक्सिमा है, चार ही मिनिमा है, खत्म। पर अगर यहीं पे मैं डी को लैम्डा बाई 10 कर लूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, या फिर कुछ डी को 100 लैम्डा करने से होगी, कम करने से नहीं बढ़ाने से होगा ना। डी को 100 लैम्डा कर दूं या 10 लैम्डा कर दूं तो फिर बहुत सारे आने लगेंगे। चलो ठीक है, पर वो तो तुम कर ही लोगे। अब हम प्रॉपर मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं जिससे सारे निकल के आ जाएंगे हमारे। तो क्या करना है बताओ, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है? डेल एक्स किससे बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा। तो डी कॉस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, कॉस थीटा इक्वल टू, और लैम्डा और डी बराबर है, कॉस थीटा एन के बराबर आ गया। और एन क्या है, एन क्या है भाई? तो कॉस थीटा कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? और कुछ ले सकता है क्या? अब तो कोई सर तीन ही दे रहा है, तो कर बताओ माइनस वन के लिए क्या होगी थीटा की वैल्यू? जीरो से टू पाई के बीच में बोलो, पाई जीरो के लिए पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू। अरे जीरो के लिए तो दो वैल्यू आ रही है ना, देख भी लो, तुम चेक भी कर सकते हो यहां से। और वन के लिए जीरो। तो देखो थीटा इक्वल टू जीरो पे आ रहा है क्या? थीटा को जरा जीरो करो इसको, थीटा इक्वल टू जीरो पे आ रहा है क्या? मैक्सिमम थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे आ रहा है क्या? पाई पे भी आ रहा है क्या? थ्री पाई बाई टू पे भी आ रहा है। सारी चीज हो गई, चार ही मैक्सिमा है। सिमिलरली मिनिमा के लिए क्या कर देंगे? एन प्लस हाफ लैम्डा, वो पोजीशंस भी निकल जाएंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस पर तुम कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि नेट इंटेंसिटी निकालनी हो तो आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस डेल फाई। तो ये तब होता है कि जब दोनों स्लिट से अलग अलग इंटेंसिटी आ रही हो। पर ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि दोनों स्लिट से अलग अलग इंटेंसिटी आए? मतलब समझ रहे हो, दो स्लिट में जो लाइट आ रही है असलियत में तो वो एक ही सोर्स से आती है, तो फिर दो स्लिट से अलग अलग इंटेंसिटी हो कैसे सकती है ये बताओ। देखो ये तुम्हारे स्लिट्स हैं S1, S2 और ये स्क्रीन है यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे तुम्हारा सोर्स रखा हुआ है। जब हमारा ये सोर्स तो एक ही है भाई, इससे जो लाइट निकलेगी वो तो एक इंटेंसिटी की निकलेगी, फिर इन दोनों पे अलग अलग इंटेंसिटी हो कैसे सकती है बताओ? क्या तरीका है जिससे हम अलग अलग इंटेंसिटी कर पाएँ? दो स्लिट्स पे अगर अलग अलग इंटेंसिटी चाहिए तो कैसे कर सकते हैं बताओ? जो भी आइडिया सारे अलग अलग विड वेरिएबलिंग, अलग अलग स्लिट की विड्थ अलग अलग कर दें, ऐसा होगा क्या बताओ? उससे इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगी क्या? कैसे होगी एक्सप्लेन करो। ठीक है, मान लेते हैं एरिया बोल देते हैं, समझ जाओ ये रेक्टेंगुलर ही तो है यार। एक का एरिया मान लो ए है, दूसरे का ए वन ए टू मान लेते हैं ना, और मान लेते हैं चलो ए टू इज़ ग्रेटर देन ए वन मान लेते हैं। इसने बोला कि भाई दोनों के स्लेट के जो विड्थ है अलग अलग ले लो तो एरिया अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई इसका एरिया डबल है, तो उससे कैसे अलग अलग हो जाएगी इंटेंसिटी ये समझाओ। अरे हवा में बोल दिया। ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय एरिया, बिल्कुल सही बात है ये तो। कोई और एक्सप्लेन कर सके? तुम ही करोगे, सपोर्ट चाहिए किसी का? हाँ नहीं, खुद करोगे? करो, पूरा बहुत टाइम है अभी मेरे पास। कैसे बताओ, तुम बताओ। सोर्स से जो पावर आ रही है, हाँ सोर्स से जो पावर आ रही है, पावर तो ठीक है एरिया के नहीं, पावर मतलब एक जो भी यहाँ वेव फ्रंट में जो पावर होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, उसको एरिया से कोई मतलब नहीं है। हाँ पूरे वेव फ्रंट में पावर क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो जो भी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट फ्लो कर रहा है उस पूरे वेव फ्रंट में एक कांस्टेंट पावर है, मतलब जो पावर आर रेडियस के वेव फ्रंट में थी उतनी ही पावर टू आर रेडियस के वेव फ्रंट में होगी। पर इन दोनों स्लिट पे सेम पावर होगी ये मीनिंगलेस है, इन दोनों पॉइंट्स पे इंटेंसिटी सेम होगी क्योंकि ये जो वेव फ्रंट है इसकी कुछ सर्टेन रेडियस होगी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? पी वाई पाई आर एल, टू पाई आर एल क्या होता है? टू पाई आर एल होता है ना, पी वाई टू पाई आर एल हो जाएगी। अरे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है ना,
उसका एरिया यही तो होता है, इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, जो भी ये सिलेंड्रिकल सरफेस बन रहा है उसका जो भी एरिया है ना, पावर बाय एरिया। तो इन दोनों पॉइंट्स पे इंटेंसिटी सेम होगी, ये वाली बात सही है। इस जगह पे पावर सेम नहीं होगी, एक वेव फ्रंट पे इंटेंसिटी सेम होती है हर जगह। देखो एक वेव फ्रंट मतलब उस पर हर जगह एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस वेव फ्रंट पे तुम कोई भी 1 मीटर स्क्वायर वाला एरिया लोगे वहाँ पर तुमको सेम पावर मिलेगी। और 1 मीटर स्क्वायर में जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। समझ में आई वाली बात, समझ नहीं रहे हो पावर क्या होती है, चलो ये बताओ। यहाँ से देखो इंटेंसिटी सेम होगी, ये बात समझ में आई, एक वेव फ्रंट पे इंटेंसिटी सेम होगी। अभी तुमने ही बोला कि इंटेंसिटी पावर बाय एरिया है, तो पावर क्या हो गया, इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी सेम है पर इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसमें से ज़्यादा लाइट पास हो जाएगी ना, सेम इंटेंसिटी की ज़्यादा लाइट पास हो गई तो इसमें से ज़्यादा पावर पास हो रही है। देखो जब तुम बोल रहे हो पावर तो तुम ये बोलो कितने एरिया में बोल रहे हो तुम पावर। तुम अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में बोल रहे हो ऑब्वियसली सेम है पावर, दैट इज द इंटेंसिटी। क्लियर करो अपना स्टेटमेंट, ठीक है। वेव फ्रंट पूरे एरिया पूरे इस पे बोल रहे हो, पूरे बड़े वेव फ्रंट पे, देखो मेरे ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ स्टेटमेंट। इंटेंसिटी सेम है ये तो क्लियर है सबको, है ना। पर जब मैं बोल रहा हूँ कि पास करने से पहले दोनों स्लिट पे मैं पावर कंपेयर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ये बात कर रहा हूँ कि दोनों स्लिट पे कितनी पावर फॉल कर रही है। अब इसका एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर है तो इस पे तो आई पावर फॉल कर रही है। अगर इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है तो इस पे कितनी पावर फॉल कर रही है, 2i। बाहर नहीं निकली है ना, अभी तक हम इसके पहले की बात कर रहे हैं, गिर रही है तब क्या हो रहा है सिचुएशन। तो भाई एक वेव फ्रंट पे पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, तो हर 1 मीटर स्क्वायर में सेम पावर होगी, उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जो इंटेंसिटी यहाँ पर है वो इंटेंसिटी यहाँ पर है, पर इसमें से कितनी पावर पास करेगी वो एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पावर क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया। ये बात समझ में आ रहा है। तो दोनों पे आई आई इंटेंसिटी गिरी, पर यहाँ पर पावर इधर से जो पावर निकल रही होगी वो P1 होगी, और इधर से जो पावर निकल रही होगी वो P2 होगी। और P1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, I इंटू A1, और P2 क्या हो जाएगा, अगर इसका एरिया डबल है तो इसमें से डबल लाइट निकलेगी, मतलब डबल पावर डबल एनर्जी निकल रही है, ऑब्वियस सी चीज़ है। ये आएगा समझ में मतलब पहले, ठीक है। अब हम क्या बात करें, ये इंटेंसिटी तो भाई इधर से पहले की थी, अब देखो अभी क्या होगा, ये S1 खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, इसके वेव फ्रंट फिर खुद सिलेंड्रिकल ऐसे निकल रहे होंगे। ये जो S2 है वो खुद अपने आप एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये हाइगन्स प्रिंसिपल है ना, इसको भी हम देखेंगे बाद में ना। अब मैं पूछ रहा हूं इस सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है और इस सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, मैं उसको कंपेयर करने वाला हूं। और मान लेते हैं हम उस इंटेंसिटी को यहां पर कंपेयर कर रहे हैं, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी इस वेव फ्रंट की, कैपिटल डी, जो डिस्टेंस है ना। तो हम स्क्रीन पे कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कंसीडर कर रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी हो गई, कैपिटल डी। इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया पाई डी, क्योंकि आधा है पाई आर, है ना, आर इज डी पाई डी, और मान लो लेंथ एल एस स्लिट की अंदर की तरफ, समझ रहे हो ना, एल लेंथ की स्लिट है ना, वो स्लिट है ना ऐसे, तो ऐसा सरफेस आ रहा है, ये लेंथ एल है और ये पाई आर हो गया, तो पाई आर एल, और आर तुम्हारा किसके बराबर है, ये क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसके कारण जो इंटेंसिटी आ रही है उसको I1 बोल देते हैं, और इस सोर्स के कारण जो इंटेंसिटी आ रही है वो I2 बोल देते हैं। अब इंटेंसिटी क्या होती है भाई, पावर बाय एरिया, ठीक है। अब जितनी पावर यहाँ से निकली थी P1 वो पूरी की पूरी इस वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, P1 बाय एरिया, और इसका एरिया कितना है बताओ, पाई डी इंटू एल, दिख रहा है, ठीक है। और I2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, P2 पाई डी इंटू एल, मतलब जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है अब इसका एरिया दोनों ही जगह सेम है, देख लो पहले यहाँ तक कोई डाउट है क्या ना, मुझे इन दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी कंपेयर करनी थी I1 I2। तो देखो सबसे पहले हमने देखा कि भाई इसका एरिया ज़्यादा है, इधर सोर्स था एक सोर्स, तो हमें देखा कि भाई इसका एरिया ज़्यादा है तो इसमें से ज़्यादा पावर पास हो रही है, ये देख लो है ना, A2 इज़ ग्रेटर देन A1 और I तो सेम है दोनों जगह, तो हम बोल सकते हैं P2 इज ग्रेटर देन P1,
सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें से ज़्यादा पावर निकल रही है और इसमें से कम पावर निकल रही है, ये क्लियर है क्या? कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकता है ये कि भाई एक का एरिया अलग दे दिया, दूसरे का एरिया अलग दे दिया, तो मैं आना चाहिए वर्कआउट करना, एरिया अलग होने से पावर मतलब एरिया जिस रेशो में होंगे पावर भी उसी रेशो में होगी और इंटेंसिटी भी एग्जैक्टली उसी रेशो में होगी। देखो अब इंटेंसिटी सीधे सीधे पावर के प्रोपोर्शनल है क्योंकि पाई डी एल तो देखो दोनों में कॉमन है, आ रहा है समझ में? इसको सीधा लिख सकते हो ना, एरिया के टाइम में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, आई ए वन बाय पाई डी एल, और ये क्या लिख सकते हो, आई ए टू बाय पाई डी एल। आई किसकी इंटेंसिटी थी, इस सोर्स की इस जगह पर, तो मैं देख रहा है ना रेशियो तो सेम होगा, खैर ये तो दिख गया ना तुम्हें भाई, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो सिमिलरली आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, मतलब जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी उस सोर्स उस स्लिट की है ना उस स्लिट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और हम ये भी बोल सकते हैं किस रेशियो में होगी वो, आई टू बाई आई वन क्या होगा बताओ, ए टू बाई वन, वो एग्जैक्टली एरिया जो स्लिट्स का एरिया जिस रेशियो में है उन स्लिट की इंटेंसिटी भी उसी रेशियो में होगी। तो बस यहाँ पे बस दो चीज़ों में कन्फ्यूजन मत हो, ये दो अलग अलग इंटेंसिटी हैं, ये इंटेंसिटी इस सोर्स की इंटेंसिटी इस डिस्टेंस पर है और ये जो इंटेंसिटी है वो इन स्लिट्स की इंटेंसिटी है स्क्रीन पर, लिख लो इसे। नहीं ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, देखो ना कहाँ सेम है, इक्वेशन से दिख रहा है सेम नहीं है। जो वहाँ पे दोनों अच्छा, तो मेरे यहाँ से यहाँ पे आएगी और यहाँ से यहाँ पे आएगी, भाई किसकी किधर, S1 के वो वहाँ पे, हाँ S1 हाँ, की S1 की इंटेंसिटी हाँ वहाँ पे वो पॉइंट और उसकी उस पॉइंट पे, हाँ अलग अलग आ रही है ना, अलग अलग तो है देखो ना, वो जो S1 और S2 पे रहेगी वो सोर्स, हाँ इस सोर्स की इंटेंसिटी इन दोनों पे सेम है, हाँ ये सेम है देखो ना, आई आई लिखा है ठीक है, पर ये अलग अलग हो जाएगी। अच्छे से बोलो, तेज बोलो और क्लियर बोलो। हाँ ये इस एरिया की बात हो रही है, स्लिट एरिया है और ये जो एरिया लिखा है वो समझ रहे हो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का एरिया है। देखो ऐसे तो इन्फाइनाइट है वेव फ्रंट, मैं कौन से दो वेव फ्रंट कंपेयर कर रहा हूँ, इस स्लिट के कारण जो वेव फ्रंट स्क्रीन को स्ट्राइक कर रहा है और इस स्लिट के कारण जो वेव फ्रंट स्क्रीन को स्ट्राइक कर रहा है उसको, जो वेव फ्रंट स्क्रीन पे जा रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कंपेयर कर रहा हूँ मैं। अब वही सही है ना, ऐसा तो नहीं इसकी इंटेंसिटी यहाँ देखो और इस वाले की यहाँ देखने लगो, ये तो गलत बात है ना, इंटेंसिटी और डिस्टेंस के साथ कम होती है क्लियरली, तो दोनों की सेम रेडियस वाले उस पर देखना ज़्यादा सही है कंपेयर करना, ऐसे तो तुम फिर किसी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो अलग अलग डिस्टेंस पर। तो मैंने दोनों की इंटेंसिटी सेम डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर कंपेयर करी है। एल क्या है अभी वही तो समझाया भाई, अच्छा सिलेंडर में एल क्या होता है बताओ ना, टू पाई आर एल में एल क्या होता है समझा थोड़ा, तो सोचो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये मान लो ये दो स्लिट्स हैं, ये दो स्लिट्स हैं तो दोनों स्लिट्स की लेंथ सेम है ना एल एल, तो इनके कारण जो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगे वो भी तो ऐसे ही निकलेंगे, ये रेडियस हो गई ये वाली डिस्टेंस और लेंथ ये हो गई,